आज से कुछ 50 वर्ष पहले 26 मार्च 1971 को मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की आज़ादी की नींव रखी और उसके लगभग 9 महीने बाद 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश आज़ाद हो गया। आज कहानी नस्लीय, सांस्कृतिक, भाषाई और राजनैतिक भेद से उत्पन्न हुए बांग्लादेश की, बांग्लादेशी नागरिकों पर किए गए अत्याचार, नरसंहार, अमानवीय व्यवहार की और कहानी विश्व के दूसरे सबसे बड़े सैन्य समर्पण की। बांग्लादेश के जाओ देखिया रे। 1971, a new nation is born. के आखिरी महीनों में साउथ एशिया में एक नया देश बना, डगमगाती सी अर्थव्यवस्था, विश्व की सातवीं बड़ी आबादी, गरीबी, बीमारियों और कई और समस्याओं और कुछ उमंगों के साथ। पर बांग्लादेश की आज़ादी की कहानी कुछ दिनों या कुछ महीनों में नहीं लिखी गई, बल्कि इसकी शुरुआत 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन के साथ ही हो गई थी। 1947 में जब पाकिस्तान भारत से विभाजित हुआ तो आज का बांग्लादेश और तब का ईस्ट बंगाल भी पाकिस्तान का हिस्सा था, पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों में धर्म के अलावा कोई और समानता नहीं थी, ना भाषाई, ना सांस्कृतिक, ना भौगोलिक और ना ही राजनैतिक। पर इन सबसे अधिक पाकिस्तान से बांग्लादेश के विभाजन का कारण बना पाकिस्तानी नेताओं का बांग्लादेश के साथ किया गया दुर्व्यवहार और भेदभाव, जिसने बांग्लादेश के लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा किया और नींव रखी स्वतंत्र बांग्लादेश की। बहरहाल 1971 में शुरू हुए बांग्लादेश लिबरेशन वॉर और बांग्लादेश को मिली आज़ादी के कुछ तात्कालिक कारण भी थे। असल में 1970 के साल पाकिस्तान में चुनाव हुए थे और इन्हीं चुनावों ने और इनके परिणामों ने पाकिस्तान से बांग्लादेश के विभाजन की कहानी लिखी। दिसंबर 1970 का ये चुनाव पाकिस्तान का पहला आम चुनाव था। हालांकि पाकिस्तान को आज़ादी हमारे साथ ही मिली थी, हमारे यहाँ पहला आम चुनाव 1951 से 1952 के बीच हुए, पर पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं था। वहाँ एक के बाद दूसरा संविधान निष्कासित किया जाता रहा और राष्ट्रपति शासन चलता रहा, जिसके बाद 1970 में तात्कालिक पाकिस्तान के राष्ट्रपति और मिलिट्री डिक्टेटर याजा खान ने 1970 में पहले आम चुनाव की घोषणा की। इस चुनाव में 24 पार्टियां मैदान में थीं, पर सबकी नज़र दो बड़ी पार्टियों पर थी जिनके जीतने की संभावना थी। पहली थी वेस्ट पाकिस्तान यानी आज के पाकिस्तान से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसके नेता थे जुल्फिकार अली भुट्टो, और दूसरी थी वेस्ट पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश से आवामी लीग, जिसके नेता थे शेख मुजीबुर रहमान। 1970 के ये चुनाव 300 सीटों पर हुए, जिनमें से 162 ईस्ट पाकिस्तान में थी और 138 वेस्ट पाकिस्तान में। शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में आवामी लीग ने ईस्ट पाकिस्तान की 162 सीटों में 160 सीटें जीती और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता जुल्फिकार अली भुट्टो और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट याजा खान को ये मंजूर नहीं था कि बंगाल से आने वाला कोई व्यक्ति पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बने, और इसी नस्ली और क्षेत्रीय भेद की भावना ने बंगाली नागरिकों को अपना स्वतंत्र देश बनाने के लिए प्रेरित किया, जिसके बाद ईस्ट बंगाल में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। परिष्कार मिटिंग बोले संग्राम अमार मुक्ति संग्राम। इस विरोध और सिविल वॉर जैसी परिस्थिति को दबाने के लिए प्रेसिडेंट याजा खान ने 25 मार्च 1971 के दिन ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू कर दिया, जिसके एक दिन बाद 26 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की घोषणा की और इसी के साथ ईस्ट बंगाल में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर शुरू हो गया। 25 मार्च 1971 को शुरू किया गया ऑपरेशन सर्च लाइट न केवल बंगाल में उठ रहे एंटी पाकिस्तानी रेवोल्यूशन को दबाने का एक प्रयास था, बल्कि ये शुरुआत थी वैश्विक इतिहास में एक भयानक नरसंहार की। इस दौरान लगभग 3 से 5 लाख लोगों को मारा गया, कहीं कहीं ये आंकड़ा 3 से 30 लाख भी बताया गया है। लगभग 2.5 लाख औरतों का रेप किया गया और करोड़ों बंगाली नागरिकों को पाकिस्तानी आर्मीज की इन एट्रोसिटीज और अमानवीय कृत्यों का सामना करना पड़ा। खैर, पाकिस्तान के इस मिलिट्री एक्ट के विरोध में बांग्लादेश में आज़ादी के लिए एक आर्म्ड ग्रुप बना और नाम दिया गया मुक्ति वाहिनी। इस आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन में बांग्लादेश के वो सब लोग थे जो पाकिस्तान के खिलाफ थे। 4 अप्रैल को मुक्ति वाहिनी का गठन हुआ। इस संगठन को और इस संगठन के लोगों को भारत सरकार का समर्थन था। रॉ की मदद से इंदिरा सरकार मुक्ति वाहिनी के मेंबर्स को भारत में मिलिट्री ट्रेनिंग दे रही थी। चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मीज ईस्टर्न कमांड इन डायरेक्ट चार्ज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ ट्रेनिंग द मुक्ति वाहिनी। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के शुरुआती महीनों में इंडियन गवर्नमेंट का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इस वॉर में नहीं था। हालांकि जैसे जैसे बांग्लादेश में पाकिस्तानी आर्मी की एट्रोसिटीज़ बढ़ने लगी, वहां के लोग भारत की ओर पलायन करने लगे।
एक आंकड़े के मुताबिक लगभग 5 से 10 लाख लोग उस दौरान बांग्लादेश से भारत आए थे और इनमें से ज़्यादातर बांग्लादेश की हिंदू माइनॉरिटी थी। इंदिरा सरकार ने उस दौरान बांग्लादेश से आए सभी माइग्रेटेड लोगों को शेल्टर दिया और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तानी आर्मी की एट्रोसिटीज और ह्यूमन राइट वायोलेशन का मुद्दा उठाया, पर ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने ना इस मुद्दे में कोई सद्भावना दिखाई और ना ही बांग्लादेशी नागरिकों के लिए कोई ठोस कदम उठाए। दुनिया भर में मानवाधिकारों और डेमोक्रेटिक राइट्स की वकालत करने वाली अमेरिकी सरकार ने बंगाली नागरिकों पर हो रहे अत्याचारों से मुंह तो मोड़ ही लिया बल्कि पाकिस्तानी आर्मी की इन अमानवीय व्यवहारों का और कृत्यों का समर्थन भी किया। ये अमेरिकन वेपन्स ही थे जिनसे ईस्ट बंगाल में अट्रोसिटीज कमिट की जा रही थी और तत्कालिक अमेरिकन प्रेसिडेंट पाकिस्तानी सरकार के इन कृत्यों को इंटरनल इशू कहकर नकार रहे थे। खैर, कई मौक़ों पर और कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बांग्लादेश की बात रखने के साथ ही भारतीय सरकार बांग्लादेश लिबरेशन वॉर को काफ़ी समर्थन भी दे रही थी, पर अभी तक ये समर्थन सिर्फ आंतरिक था। बाद में नवंबर 1971 आते आते इंदिरा गांधी ने वॉर में इन्वॉल्व होने का निर्णय ले लिया था, पर भारत को पाकिस्तान के साथ वॉर में इंटर होने के लिए कोई ठोस कारण चाहिए था और वो कारण भारतीय सरकार को मिला 3 दिसंबर 1971 को, जब पाकिस्तान ने इंडियन एयरबेस की वेस्टर्न बेस पर 11 अटैक किए और इसी के साथ इंडिया की ऑफिशियल एंट्री हो गई बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। भारत के वॉर में इंटर होने के 13 दिन बाद पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। आज सायंकाल 4:31 पर ढाका में पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल एके नियाजी ने पाकिस्तान की पूर्वी कमान की ओर से आत्मसमर्पण प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और ये पहली बार था जब इंडियन एयरफोर्स, नेवी और आर्मी ने कोऑर्डिनेटेड होकर कोई युद्ध लड़ा हो। मुक्ति वाहिनी के समर्थन के साथ इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के कब्जे के सभी क्षेत्र अपने कंट्रोल में ले लिए और अंततः बांग्लादेश की राजधानी ढाका भी पाकिस्तानी आर्मी के कंट्रोल से बाहर हो गया, जिसके बाद पाकिस्तानी आर्मी ने अपना सरेंडर किया और ये वर्ल्ड वॉर दो के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर था। लगभग 93,000 सैनिकों ने अपने हथियार डाले, जिसके साथ ही ईस्ट बंगाल पाकिस्तान से अलग और आज़ाद हो गया और साउथ एशिया में एक नए स्वतंत्र राष्ट्र का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा बांग्लादेश। बांग्लादेश की आज़ादी के लिए वहां के नागरिकों ने बड़ी कीमत चुकाई, कठिन और सशक्त संघर्ष किए, अपनी सांस्कृतिक और भाषाई अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और आज वो एक सफल और खुशहाल देश के नागरिक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और रोचक कहानी के साथ। जय हिंद।